असलम एंड वेरी गुड मॉनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू इन दिस लाइव सेशन ऑफ टूडेज क्लास ऑफ रे ऑफटिक्स माई डियर स्टूडेंट्स होप यू पीपल आर वेरी मच फाइन और बहुत ही अच्छा जा रहा होगा इन इस लॉकडाउन में सर कैसा जा रहा है वो हमें भी पता है वो आपको भी पता है थोड़ा सब्र रखिएगा तो डेयर स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हमने रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बेसिकली डिस्कस किया था कि वट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन रिफ्रैक्टिंग टाइप और उनको हमने ओवरकम किया था रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में होप इनशल्ला आप सब ने वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा और उसको नोट भी किया होगा तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी आपने कुछ फार्मूलाज याद रखे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आपने कुछ फार्मूला याद रखे होंगे तो थोड़े क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बहुत आसान सा है उतना मुश्किल तो है नहीं ठीक है और आज मैं कुछ आपको प्रॉब्लम सेक्शन में लेके जा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूँ नीट बेसड प्रॉब्लम्स आपको मैं आज दिखाऊँगा लेकिन उससे पहले एक फिर से मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं कि यू हैव टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आज के लेक्चर के बाद में आपको एक डीपीपी सेंड हो जाएगा वो डीपीपी आप अच्छे से करिएगा और जितने भी क्वेश्चन हमने क्लासरूम में डिस्कस किए हैं ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी क्वेश्चन विच विच वी हैव डिस्कस सो फार वही क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन के पैटर्न पर आपको हमारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे होप आप थोड़े दिन में दे दूंगा एक दो दिन में आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा आप लोग उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा हो और मैं चाहता हूं कि इन आप लोग अल्लाह मियाँ के फजल करम से बहुत अच्छा करेंगे और आप मुझे शर्मिंदा नहीं होने देंगे वो तो मुझे क्लासरूम में पता था ना तो आप ख़ुद शर्मिंदा हो रहे थे ना तो हमें माशाल्लाह आप शर्मिंदा होने देते थे और वही चीज़ यहाँ भी चलेगी तो आप खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा उन क्वेश्चंस की और इन आप अच्छे नंबरत लेके जाएंगे और जो लोग पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रहेंगे उनके लिए खसूस चीज़ें हमने रखी हैं उसको हम यहाँ पर उनके नाम जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा अनाउंस होगा और उनके इनामात से भी नवाज़ा जाएगा और क्या दे दिए वो मैं आपको जब वो जब वो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे जो टॉपर्स होंगे उनके नाम और उनको मैं उसी दिन अनाउंसमेंट करूंगा कि आपके लिए हमने खसूशी क्या रखा है ठीक है होप आप दो तीन चार पाँच स्टूडेंट्स तक हम जाएंगे जो टॉप करेंगे अब टॉप हर किसी के हाथ में टॉप करना है क्योंकि वही क्वेश्चन का पैटर्न है जो मैंने आपको क्लास में दिखाया है जो आपने यहाँ पढ़ा है जो क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं अपनी बुक से दिखाए हैं ठीक है होप आप लोग प्रैक्टिस करिएगा जरूर ठीक है चलिए हम क्वेश्चन उठाते हैं टेलीस्कोप से हम क्वेश्चन उठाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स चलिए टेलीस्कोप जो अपनी बुक है उसी जरा देखिएगा कहां पर है ढूंढ के लाइएगा एक मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं आप उसको ढूंढ के लाइएगा ठीक है तो पहला क्वेश्चन है टेलीस्कोप से प्रॉब्लम लिए हैं मैंने वन पेज नंबर है पेज नंबर वन और जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसको आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल मैंने बोला था वही क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो आएंगे जिनमें क्षमता है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन हमें आने ही आने चाहिए तो पहला क्वेश्चन है इसको मैं बोर्ड पर भी लिखता हूं प्रॉब्लम सेक्शन है प्रॉब्लम नंबर वन पी बी नंबर वन है इन एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो जिनके पास बुक नहीं है वह भी साथ साथ नोट करेंगे इन एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगी याद रखिएगा रिलैक्सड आई का केस है एडजस्टमेंट ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल इज ड्रॉन ए स्ट्रेट ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ length l is drawn a straight black line of length l is drawn on inside part of objective lens on inside inside part of inside part of objective lens इन साइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ओके इन साइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंसेज होते हैं एक ऑब्जेक्टिव लेंस होती है एक आईपीस होता है फुल स्टॉप द आईपीस फॉर्म ए रियल इमेज द आई पीस फॉर्म ए रियल इमेज The eyepiece forms a real image of this line real image of this line the length of this image is also L. The length of the length of the image The length of the image is L. The magnification of the telescope is the magnification of the telescope is the magnification of the telescope is number A. Answer Johai, L divide by L. एल डिवाइड बाय एल या है एल बाय आई है ये एल बाय आई एल बाय एल प्लस वन एल बाय एल प्लस वन सी पार्ट है इसका एल बाय एल माइनस वन और डी जो इसका है वो है एल प्लस वन डिवाइड बाय एल माइनस वन ठीक है क्लियर क्लियर इसको ध्यान से समझिए क्वेश्चन देखिए एक दो बार पढ़िए फिर देखिए क्या होता है ध्यान से देखना है चलिए एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिक इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लैंगे ये नोट करिए ब्लैक लाइन ऑफ लेंगे इज ड्रॉन ऑन इनसाइड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव अब इसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं टेलीस्कोप को याद करिए उस टेलीस्कोप के केस में एक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होती है और यहां पर एक लेंस छोटी सी अपर्चर वाली आईपीस होती है हमारा प्रिंसप्लेक्सिस हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, लेंस। ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ हमने ड्रॉ की है इन साइड ऑब्जेक्टिव लेंस और इस लाइन की जो लेंग्थ है वो है एल यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट किस में फंसा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस में देखिए क्वेश्चन कैसा है ऑब्जेक्टिव में ही रखा गया है लेंग्थ एल वाला ऑब्जेक्ट ठीक है एक ब्लैक लाइन ब्लैक लाइन लगा दी गई उसकी लेंथ है एल आईपीस फॉर्म इज अ रियल इमेज आईपीस इसकी रियल इमेज बनाता है इसका मतलब इसकी अगर रियल इमेज बनानी है तो वो यहां कहीं इसकी इमेज बननी चाहिए और उसकी भी कितनी है एल इमेज की लेंगत भी कितनी है एल इमेज की लेंगत और इसकी अगर इसकी कैपिटल एल रखेंगे तो इसकी सपोज स्मॉल एल रखेंगे ठीक है तो ये एल इसकी भी लेंथ है और इसकी भी लेंथ बराबर बराबर है एल एल है दोनों के बराबर बराबर लेंथ है ठीक है फिर से मैं देख रहा हूं क्वेश्चन सही लिख रहे हैं हम पार्ट ऑफ इमेज ऑफ दिस लाइन द द लेंथ ऑफ इमेज इज एल द लेंथ ऑफ द इमेज इज एल तभी यहां पर ये यह होगा स्मॉल एल ठीक है तो अगर ये रियल इमेज बनाता है इसका मतलब तो ये इस साइड बनाता होगा यहां बनती तो ये आईपीएस के लिए वर्चुअल होता लेकिन इस साइड है तो ये रियल इमेज ठीक है ज द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज इन चारों में से मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा पहली इंपॉर्टेंट बात समझते हैं इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है मैग्निफिकेशन बराबर होता है एफ नॉट बाई एफ ई इन केस ऑफ एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप अगर सोल्यूशन में यहां पर पाऊं तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है एफ नॉट बाई एफ 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 ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाई एफ ऑफ आई पीस अब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्या होगा कि इमेज इनफिनिटी पर बनती है और इमेज कब इनफिनिटी पर बनेगी पहले देखिए ये इसकी इमेज यहां पर फोकस होगा तो ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है एफ नॉट ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है नॉट तो यहां पर इमेज आ जाएगी इसके फोकल प्लेन में अब ये आईपीस इसकी इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट में इंफिनिटी पर बनाएगा इसका मतलब ये लाई करना चाहिए इसकी फोकल लेंथ पर याद करिए मैंने आपको उस टाइम बताया है यहां से यहां जो लेंथ है वो है नॉट और यहाँ से यहां जो है वो है एफ ई ये सर एफ नॉट और एफ ई एक ही जगह पर क्यों आ गया क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट में आई पीस इन्फिनिटी पर इमेज बनाएगा और इन्फिनिटी पर इमेज कब बनेगी जब वो फोकस पर होगा जब इसका आई जब ये वाला ऑब्जेक्ट लाई करेगा इसके आई के फोकस पर तो यही मैंने बोला था यहां से लेकर यहां तक जो है ये लेंथ ऑफ द ट्यूब कहलाता है लेंथ ऑफ द ट्यूब एफ नॉट प्लस एफ ई के बराबर होता है ये चीज मैंने आपको यहां पर बता दी ये लेंथ ऑफ द ट्यूब इनके सब नॉर्मल एडजस्टमेंट इन दोनों का जो लेंथ होती है वही लेंथ ऑफ द ट्यूब क्योंकि ये एक ट्यूब में फिक्स होते हैं ठीक है अब देखिए ये जो U फॉर ये जो मैग्निफिकेशन है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई क्लियर इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए अब ध्यान से देखिए हमें क्या बताना है अब U फॉर आई पीस ये जो U है ऑब्जेक्ट कौन है फॉर आईपीस के लिए U फॉर आईपीस शबाश U फॉर आईलैंड वो U जो है वो U होगा देखिए वो U होगा यहां से इसका ऑब्जेक्ट कहां है कितनी दूरी पर है यहां से ये इसका ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है ये इसका ऑब्जेक्ट है ये इसका ऑब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है ये कितनी दूरी पर है ये एफ नॉट प्लस एफ ई के बराबर होगा यू जो है यू फॉर आईलैंड कितना होगा यू इज इक्वल यू इज इक्वल यू फॉर आईलैंड कितना होगा यू इज इक्वल वो यू होगा एफ नॉट प्लस एफ ई तो इसको लिखूंगा लेकिन ये इस वाले साइड है तो ये माइनस आ जाएगा तो ये बनेगा माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई ठीक है ये हो गया यू दूरी ये ऑब्जेक्ट है है ना ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज आईपीस कहीं बनाता है रियल इमेज और यहां से यहां कितनी दूरी है एल वो एल किसके बराबर एफ नॉट प्लस एफ ही यहां से इधर आ जाएगी तो ये माइनस बनेगा ठीक है और हमें पता है फॉर आईपीस का मैग्निफिकेशन क्या होगा आईपीस का मैग्निफिकेशन क्या होगा आईपीस के लिए मैग्नीफिकेशन आपको पता है मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट याद है एम आई शबाश आई डिवाइड बाय एल यहां पर इसकी लेंथ एल है इसकी हाइट आई है ये आई है इमेज इमेज स्मॉल एल के बराबर है लेकिन फिलहाल ये आई है आई डिवाइड बाय एल एल ऑब्जेक्ट है और आई क्या है इमेज तो मैग्निफिकेशन इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का साइज होता है और ये किसके बराबर होता है v डिवाइड बाई u याद करिए मिरर वाला केस सेम चीज चलेगा यहां और ये u जो है ये है। ये है, ये ये हमें हमें है 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 दिया गया u ठीक है मैग्निफिकेशन है। आईपीस के लिए i ये इमेज डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है वी बाई यू के बराबर होता है ठीक है और इसको क्या लिख सकते हैं वी डिवाइड बाई यू के बदले क्या लिखेंगे माइनस एफ नॉट माइनस एफ ई क्योंकि ये बाहर वाला है इस वाले साइड ये माइनस फोकल लेंगे इस वाले साइड है ये माइनस एफ नॉट माइनस एफ ई के बराबर है अब देखिए अब हम वी को एफ नॉट और एफ ई अब हम वी को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यू हमें पता है वी को फाइंड आउट कर, कर कैसे करेंगे आइदर बाय लेंस फार्मूला आइदर बाय लेंस लेंस फार्मूला फार्मूला निकाल के लेकिन इसको जरूरत नहीं है हमारे पास और एक फार्मूला भी है मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है मैग्निफिकेशन होता है आई डिवाइड बाई एल इसी का और एक फार्मूला यह भी है वी डिवाइड बाई यू ये जो मैंने यहां पर लिखा v डिवाइड बाई यू और इसी का और एक फार्मूला जो है मैंने आपको इन केस ऑफ फोकस लेंगे एफ डिवाइड बाई एफ शबाश एफ एफ डिवाइड बाई एफ प्लस यू अगर तुम्हें तो बुजुर्गन याद आस इनके ऑफ फोकल लेंथ इनकेस ऑफ फोकल एफ डिवाइड बाई एफ प्लस यू मिरर और लेंस के फार्मूला फिलहाल सेम चलेंगे उस वाले साइड में मैंने आपको बताया है ठीक है अब देखिए फॉर आई के लिए क्या होगा फॉर आईपीस आईपीस के लिए इसको क्या लिखेंगे आई डिवाइड बाई एल मैग्निफिकेशन है इसको लिखेंगे FE FE यू के बदले क्या लिखेंगे U के बदले क्या लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस या माइनस जो ये है माइनस एफ नॉट माइनस एफ ई देखिए एफ ई एफ ई कैंसिल आउट हो गया ये बनेगा एफ ई डिवाइड बाई एफ ओ माइनस ठीक है ये देखिए एफ ई बाई एफ ओ अगर मैं इसको क्या लिखूं अगर इसको रिवर्स कर दूंगा मैं उल्टा कर दूंगा ये बनेगा एल बाई आई इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई की बात करते हैं साइन को छोड़ के जाइए देखिए ये क्या है ये मैग्निफिकेशन है एफ नोट बाई ये मैगनीफिकेशन है एफनोट बाई ये किसके बराबर है एल डिवाइड बाई आई इसका मतलब एल डिवाइड बाई आई किसके बराबर है स्मॉल एल तो इसका मतलब एल डिवाइड बाई एल और ये वाला आंसर सही रहेगा इसका ठीक है ये वाला अच्छे से एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करिए ये सवाल मैंने डी में रखा है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर दिखाया है एल डिवाइड बाई एल ये आंसर आप बोलोगे यहाँ माइनस किया कहाँ तो यहाँ मैंने माइनस का बॉर्डर नहीं किया तो यहाँ माइनस तो कहीं है ही नहीं एल बाई एल को इस टर्म में मैंने लिया मागनी के केस में तो ये हमारा आंसर हो गया नोट करिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ठीक है आराम से देखिए इसको देखिए न्यूमेरिकल एक दो बार प्रैक्टिस करिए आ जाएगा कोई मसला नहीं है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए इसको ध्यान से करना पड़ेगा आपको कॉपी पे करके होना चाहिए डीपीपी में है शायद एग्जाम में भी होगा फिर ना बोलना हमें खबर ना थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे चलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर टू सेम क्वेश्चन नंबर टू इंपॉर्टेंट ये भी है सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, है इसको डबल स्टार रखना है डबल स्टार रखने का बोलने का नहीं इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज वाओ इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस objective lens is increased. If the focal length of objective lens is increased then magnifying power of then magnifying then magnifying power of देन मैग्निफाइंग पावर ऑफ देखिए भाई आंसर सही है माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट टेलीस्कोप विल डिक्रीज अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज एंड टेलीस्कोप विल डिक्रीज देखिए ये बोलता है चलिए पहले मैं ऑप्शन लिखता हूं माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज बी पार्ट माइक्रोस्कोप इंक्रीज टेलीस्कोप इंक्रीज दोनों का मैग्निफाइंग जो है पावर इंक्रीज माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज सी पार्ट माइक्रोस्कोप डिक्रीज टेलीस्कोप डिक्रीज दोनों का डिक्रीज हो जाएगा माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट टेलीस्कोप विल इंक्रीज डी पार्ट डी पार्ट है माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट टेलीस्कोप विल इंक्रीज ये चार ऑप्शन है देखिए माइक्रास्कोप इंक्रीज टेलीस्कोप डिक्रीज माइक्रोस्कोप इंक्रीज टेलीस्कोप इंक्रीज माइक्रास्कोपिल डिक्रीज टेलीस्कोप डिक्रीज माइक्रास्कोपिल डिक्रीज टेलीस्कोप इंक्रीज क्या बताना है आपने ध्यान से समझिए ध्यान से समझिए यह बताता है ऑब्जेक्ट क्योंकि माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जेक्टिव लेंस होती है आईपी ये जो है टेलीस्कोप में भी ऑब्जेक्टिव लेंस होती है तो ये बोलता है इफ द फोक अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दोनों के केस में इंक्रीज करते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप के भी केस में फोकल द ऑब्जेक्टिव इंक्रीज करेंगे और टेलीस्कोप के भी केस में फोकल लेंग्थ को इंक्रीज करेंगे सो तो व्हाट विल हैपन टू तो द मैग्नीफाइंग पावर ठीक है अब ध्यान से देखिए आप लोगों ने क्या फार्मूला आपको पता है कि मैग्निफिकेशन की फार्मूला क्या है केस आप माइक्रोस्कोप याद करिए माइक्रोस्कोप के केस में फार्मूला क्या है मैग्निफिकेशन की माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन की फार्मूला क्या है शबश माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन की फार्मूला क्या है शबाश वहां पर शायद नीचे फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है एल बाय वहां पर अगर एल लेंगे एफ नॉट वो बराबर होता है एल डिवाइड बाई एफ नॉट और साथ साथ में क्या है डी बाई शबाश डी बाई एफ ई वही होता है ना डी बाई एफ ई ये वाला चीज जो है ये अब याद रखिए माइक्रोस्कोप के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ नॉट यानी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव याद करिए इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट इज इन्वर्सली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये तो इसका मतलब है अगर आप एफ नॉट फोकल लेंथ को इंक्रीज करोगे फोकल लेंथ को क्या करोगे इंक्रीज तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो जाएगा तो ये बोलता है इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकेस माइक्रोस्कोप में इंक्रीज करेंगे तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो जाएगा ठीक है मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो जाएगा ठीक है अब ये मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो गया है केस ऑफ माइक्रोस्कोप सो मैग्निफिकेशन मैग्नीफिकेशन मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप अब टेलीस्कोप में देखिए फॉर टेलीस्कोप के लिए क्या फॉर्मूला है चलिए याद करिए फॉर टेलीस्कोप अभी मैंने टेलीस्कोप का बताया एम जो होता है वो होता है एफ नॉट बाई एफ ई ये टेलीस्कोप की फार्मूला है तो यहां से पता चलता है कि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ एफ ऑब्जेक्ट क्योंकि इसका मतलब है एट इन्फनाइट डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट इसका मतलब है अगर आप एफ नॉट को इंक्रीज करोगे तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा तो टेलीस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस मैग्निफिकेशन इन माइक्रोस्कोप में डिक्रीज माइक्रोस्कोप में डिक्रीज ये देखिए माइक्रोस्कोप में डिक्रीज और टेलीस्कोप में इंक्रीज टेलीस्कोप में इंक्रीज ये वाला ऑप्शन सही है अब आप याद भी रख सकते हैं इसको इसमें परेशान नहीं होना है कि अगर आपको दोनों के केस में याद रखिए अगर आपको फोकल लेंगे तो आप दो ऑब्जेक्टिव बढ़ा रहे हो इनके ऑफ माइक्रोस्कोप भी और इनके ऑफ टेलीस्कोप भी माइक्रोस्कोप के केस में जो मैग्निफिकेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी और टेलीस्कोप के केस में जो मैग्नीफिकेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारा डी वाला ऑप्शन सही है इसको भी मैंने डीपीपी में रखा है इसको भी एग्जाम में आने की चांसेस है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है नोट करिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी ठीक है द मैग्निफाइंग पावर ऑफ अ टेलिसोप क्वेश्चन में पे हमें लिखना होना अगर तो किताब तताब आयो मत द मैग्निफाइंग पावर ऑफ अ टेलिसकोप इज नाइन द मैग्निफाइंग पावर ऑफ ए टेलिसकोप ऑफ ए टेलिसकोप इज नाइन magnifying power of a telescope F naught by F E nine what is the adjacent what when it is adjusted for parallel rays when it is adjusted for parallel rays go infinity when it is when it is adjusted for when it is adjusted for parallel rays when it is adjusted for parallel rays when it is adjusted for parallel rays the distance between the objective and eyepiece the distance between the distance between the objective objective and eyepiece the distance between the objective and eyepiece ज ट्वेंटी सेंटीमीटर आ जाओ भाई द फोकल लेंथ ऑफ द लेंजेज आर द फोकल लेंथ ऑफ लेंजेज आर द फोकल लेंथ ऑफ लेंजेज आर अच्छा सवाल है ये भी ध्यान से देखिएगा द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर दिया है इट इज रेज द द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज ट्वेंटी ट्यूब एल है ना लेंथ ऑफ द ट्यूब पहले आंसर लिखते हैं आंसर कौन कौन से है पहला आंसर है ए वाला आंसर जो है वो है इलेवन सेंटीमीटर एंड नाइन सेंटीमीटर दूसरा आंसर है टेन टेन सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस की फोकल लेंथ फिफ्टीन फाइव फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट इज एटीन सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर ठीक है ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ठीक है चलिए ध्यान से देखना है बच्चा आ जाओ भाई आ जाओ क्या है फोकल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जो होती है याद करिए ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये हमारे पास आई पीस इन दोनों के दरमियान ये ट्यूब लेंथ एल ये होता है बराबर एफ नॉट प्लस एफ ये दिया गया है ये हमारे पास है ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई पीस टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप टोटल लेंथ जो होती है टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ये इन दोनों के दरमियान की लेंथ है इसका मतलब हो गया एल जो है वो एफ नॉट प्लस एफ ई हो गया एफ नॉट प्लस एफ ई हो गया और हमें ये भी पता है तो मैग्निफिकेशन है वो होता है एफ नॉट बाई एफ ई और ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन नाइन सेंटीमीटर है शायद हां ये जी लो ये लो जी ये नाइन सेंटीमीटर ठीक है इसका मतलब ये हो गया कि एफ एफ नॉट जो है वो नाइन टाइम्स एफ ई हो गया अब हम एफ ई निकालेंगे ठीक है और हमें ये भी पता है मैग्निफिकेशन नाइन है एफ नॉट प्लस एफ ई ट्वेंटी सेंटीमीटर है एल कितना है एल है ट्वेंटी और हमें पता है एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई तो एल कितना है ट्वेंटी एफ नॉट कितना है नाइन टाइम्स एफ ई ये है एफ नॉट नाइन टाइम्स एफ ई प्लस एफ ई तो ये हो गया ट्वेंटी इज इक्वल टू टेन एफ ई तो एफ ई हो गया मेरे ख्याल नो ट्वेंटी बाई टेन जीरो ने जीरो को काटी एफ बनी टू फोकल लेंथ टू चुनकुंजे जगह ऑप्शन हाँ यहाँ है फोकल लेंथ टू सेंटीमीटर आई पीस का फोकल लेंथ अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव का इधर रखिए एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू नाइन एफ कितना हो गया टू तो यह गया एटीन ओ वाओ आंसर एटीन ऑब्जेक्टिव टू सेंटीमीटर आई पीस इंपॉर्टेंट है फिर ना बोलना हमें खबर न थी नोट करो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलो भाई आ जाओ आ जाओ चलते बनो चलते बनो

क्वेश्चन नंबर फोर रेजुलेशन इसको छोड़ के जाओ एंगुलर रेजुलेशन हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि ये हमें ऑप्टिक्स में में आगे से आएगा और उसके बाद में जो हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिन लोगों के पास किताब है वो इसको देखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर डायमीटर एंड एस डिस्टेंस ऑफ वन किलोमीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम दिस ये भी एंगुलर ये भी रेजोल्यूशन ऑफ ए टेलीस्कोप है इसको भी छोड़ के जाइए पांच वाला भी छोड़ के जाइए ये नहीं आएगा एग्जाम में सिक्स वाला क्वेश्चन जो है फोर लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ फोर लेंजेज ऑफ फोकल लेंथ फिफ्टीन ट्वेंटी सेंटीमीटर देखिए हमारे पास फोर लेंजेज है चार लेंजेज है हमारे पास चार लेंजेज है फोर लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ तो L1 जो है एक की फोकल लेंथ है फिफ्टीन दूसरे की है ट्वेंटी एल टू तीसरे की है ट्वेंटी दूसरे की है ट्वेंटी वन फिफ्टी एंड टू फिफ्टी एल थ्री वन फिफ्टी एल फोर टू फिफ्टी ये चार लेंजेज हैं हमारे पास अवेलेबल ये हमारे पास अवेलेबल है एक है फिफ्टीन ट्वेंटी वन फिफ्टी टू फिफ्टी ये चार लेंजेज हमारे पास अवेलेबल है अवेलेबल फॉर मेकिंग एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमें एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनानी है To produce the largest magnification, the focal length of the eyepiece should be. This is very important. This is very important. हमें ये चार लेंजेस दिए गए हैं आपको बताया जाता है कि इन में से इन चार लेंजेज में से हमें इन चार लेंजेस को इस्तेमाल करके हमें एक टेलीस्कोप बनाना है टू प्रोड्यूस द मैग्निफिकेशन फोकल आई तब आईपीएस हमें लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन चाहिए ये बोलता है इन चार लेंसेज में आप किस लेंस का इस्तेमाल करोगे कि वो हमें लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन देगा अरे इतना आसान सा सवाल है फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एम का था बराबर ये बोलना में घोषणा आसन F not by F E. मगर अच्छा वाला आईपीस ये मुझको इसका रोने से आईपीस खोले इस्तेमाल। मतलब गो अगर से मैग्निफिकेशन ज़्यादा चीज़ ज़रूरत, मैग्निफिकेशन चीज़ ज़्यादा ज़रूरत, अमी गो F E के सामासुल। क्या के सामासुल? अगर से F E युता युता कम आश। अगर एफ ई यूत यूत कम आ ग एफ ई यूता कम आ ते मेल नगनिफिकेशन अब मतलब सारी को लकुट य फिफी सीमीटर अब मतलब गो एलवन गिफ्टी सेंटीमीटर गो करान फिफटी सेंटीमीटर लेंस आई पी एस खेत इ्तेमाल तिक्श्य एम आ इनवर्सली प्रपोज़ यहां इमेंट पॉइंट याद से ताइ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद था। उनको ये यन रिजल्ट याद अगर चे लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन आपको प्रोड्यूस करना है और आपको बहुत सारी लेंजेज दिया जाए दी जाएंगी आई पीस के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप वो वाली लेंस इस्तेमाल करेंगी जिसकी फोकल लैंग्थ मिनिमम होगी अगर फोकल लैंग्थ मिनिमम होगी तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगी नोट करिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव तलाब पे वो छा फज ऑफ फोकल लेंथ सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 150 फिफ्टी एंड टू सेंटीमीटर आर अवेलेबल फॉर मेकिंग एस्ट्रोनॉमी टू प्रोड्यूसार्जेस्ट मैगनीफिकेशन देंथ ऑफ आई पी शुड बी और इसमें से 15 सेंटीमीटर वाली एक ऑप्शन है तो हमने 15 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन लिया ठीक है इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए नीट में आया हुआ सवाल है ये नीट टू थाउजेंड सिक्सटीन का क्वेश्चन है यह ये है हमारे पास नीट 2016 थाउजेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट 2016 का क्वेश्चन है ध्यान से देखना है अब देखिए एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर एफ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर यह दिया गया है ट ट्वेंटी सेंटीमीटर अवे इसका मतलब यू जो है यू है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस टू हंड्रेड सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द लेंस मस्ट बी सपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ तो लेंसेज कहां पर होनी चाहिए ठीक है वो हमें दिखाना है लेंजेस कितनी दूरी पर होनी चाहिए ताकि द लेंजेज मस्ट बी सपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ यही है ना हा एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्वेश्चन नंबर सेवन है बुक पर एन एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्को एज एन ऑब्जेक्ट एन आई पीस फोर्टी सेंटीमीटर फोर रेस्पेक्ट टू वी एन ऑब्जेक्ट टू टू वी एन ऑब्जेक्ट हमें एक ऑब्जेक्ट को देखना है टू हंड्रेड सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव से दूर है टू द लेंजेज मस्ट बी सपरेटेड ध्यान से देखना है हमारे पास लेंस का केस क्या है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो गया ये हमारे पास आई पीस हो गया ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ये हमारे पास आई पीस है और यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वह है टू हंड्रेड सेंटीमीटर फ्राम दिस ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है ये आई पीस हो गया और यहां पर देखिए एफ नॉट एफ नॉट और हमें लेंस को कितनी दूरी पर रखना है इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट Uh, हमें क्या निकालना है इसमें यहां पर इन दोनों की जो दूरी है वो हमें डी डिस्टेंस हमें निकालना है ये कितनी दूरी पर होनी चाहिए द लेंजेज मस्ट बी सपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ इन दोनों के दरमियान कितनी दूरी है वो हमें निकालनी है द लेंजेज मस्ट बी सपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ क्या क्या चीज़ हमें दिखाया गया है तो हमें इसकी इमेज देखनी है 200 इसकी इमेज देखनी है तो हम पहले वी नॉट फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्टिव इमेज कहां पर बनाएगा ऑब्जेक्टिव इमेज कहां पर बनाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है सिंपली हम क्या लेंगे हम लेंस फार्मूला लेंगे तो लेंस फार्मूला क्या है हमारे पास वन बाई एफ तो वी नॉट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू यही है ना फार्मूला यही है तो इसका मतलब वन बाई वी किसके बराबर हो गया वन बाई वी किसके बराबर हो गया ये हो गया वन बाई वी वन बाई एफ प्लस वन बाई यू इन दोनों को ऐसे ले लिया ठीक है तो हमारे पास वन बाई वी जो है वो किसके बराबर है वन बाई एफ कितना है एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव फोर्टी एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव फोर्टी प्लस वन बाई यू यू कितना है माइनस टू हंड्रेड ठीक है यहां पर प्लस है तो ये माइनस टू हंड्रेड सालो करेंगे तो ये क्या बनेगा हमें ये बनेगा वन बाई वी वी नॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव v of objective. तो कितना बनेगा ये ये माइनस बनेगा ये बनेगा माइनस वन बाई टू हंड्रेड ठीक है और इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे ये इंटू फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू हंड्रेड तो ये बनेगा हमारे पास फोर डिवाइड बाई टू हंड्रेड ये बनेगा फोर दैट इज फिफ्टी तो क्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर ये वी नॉट हमें कितना मिला वी नॉट हमें मिला फिफ्टी सेंटीमीटर अब देखिए ये हमें वी नॉट मिल गया वी नॉट इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर अच्छा ये कहां पर बननी चाहिए ये यहां पर और यहां से यहां दूरी कितनी होनी चाहिए नॉर्मल एडजस्टेड ये एफ ई होना चाहिए तो एफ ई कितना है फोर तो इसका मतलब ये एफ नॉट हो गया एफ नॉट कितना है एफ नॉट है फिफ्टी और यहां से यहां कितना है ये फोर तो लेंथ कितनी होगी ये दोनों आपस में कितनी दूर होंगे वो तो लेंथ ऑफ द तो ट्यूब हो जाएगी ना एफ नॉट प्लस एफ ई तो ये बनेगा फिफ्टी प्लस फोर फिफ्टी प्लस फोर डेट इज फिफ्टी फोर सेंटीमीटर आ जाओ भाई ये रहा आपका आंसर ठीक है इस तरह से आप इन क्वेश्चन की खुदा खुदारा प्रैक्टिस करिए खुदारा खुदारा प्रैक्टिस करिए घर पे बैठे एठे ऐसा चरब खोम ठीक छा तो यु दो, दो वार नती नी अथी कठ कस तो तुम तो कम चु ठीक वजन ऐसा तु तिंद ज्यादा त्याज बिहित गईवे ना वे अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए इस तरह से आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए क्योंकि आगे एग्जाम मैंने पहले ही बोला एग्ज़ाम आपको एग्जाम में बैठना है ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट में बैठना है और इसके बाद ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा जो रे ऑप्टिक्स है ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है ख़त्म होता है अगर कुछ चीज़ें रह भी गई हैं वो हम आगे देखेंगे इसके बाद एक्चुअली मुझे वेव ऑप्टिक्स उठाना था लेकिन मैं वेव ऑप्टिक्स को नहीं उठाऊँगा अब वे ऑप्टिक्स हम चाहते हैं खुदा हम दुआ करेंगे अल्लाह मियाँ से कि हालात ठीक हो जाएं कि उस उस वेव ऑप्टिक्स को मज़ा क्लास रूम में ही उसका फ़्लेवर चखेंगे हम वो ज़्यादा मज़ा उसको क्लास रूम में ही आएगा अदरवाइज़ मैं उसको यहाँ पर भी ख़त्म क्योंकि पिछले साल भी मैंने वो ऑनलाइन ही पढ़ाया है लेकिन इस साल मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसा आ, कैसा पढ़ने को मिलेगा हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन में रहें और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिवल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इनशाला जो कमिंग सेशन होगा जो हम नया चैप्टर होगा एक छोटा चैप्टर है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं फिर आगे चलते हैं तो फिलहाल हम उठाएंगे डिवल नेचर ऑफ़ मैटर एंड रेडिएशन वे ऑप्टिक्स को 10-15 दिन लगेंगे वो इनशाला हम रखेंगे आ, क्या बोलते हैं इसको ऑफलाइन में नहीं हुआ तो बाद में देखेंगे क्या होता है ठीक है तो आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना मैंने दिखाया है आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से आपको सवाल आ जाएंगे होप फॉर द बेस्ट टेक केयर बाय बाय हैव अ नाइस डे